नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रतीक चिन्हों की। जैसा कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि पशु पक्षियों को मारना एक पाप है, हालांकि है भी, क्योंकि किसी जीव की हत्या करना एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन इनके पीछे भी एक हमारा एक लगाव भी जुड़ा हुआ है। और क्यों हम इन्हें पूछते हैं और क्या कारण था कि हम उस विशेष पशु को ही क्यों पूछते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। और आज आपको इस वीडियो के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जाति या समुदाय का, या कह सकते हैं कि प्रतीक चिन्ह क्या था, यानी प्राचीन का जो हमारे पूर्वज चिन्ह यूज करते थे वो क्या था। इसमें आपको एक अंदाजा या हिंट मिल जाएगा कि आपका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। गण चिन्हवाद या टोटम प्रथा किसी समाज के उस विश्वास को कहते हैं जिसमें मनुष्य का किसी जानवर, वृक्ष, पौधा या अन्य आत्मा से संबंध माना जाए। टोटम शब्द ओजीवे नामक मूल अमेरिकी आदिवासी कबीले की भाषा ओतो तेमन से लिया गया है, जिसका मतलब अपना भाई बहन, रिश्तेदार है। इसका मूल शब्द ओते, जिनका अर्थ एक ही माँ के जन्मे भाई बहन है जिनमें खून का रिश्ता है और जो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। अक्सर टोटम वाले जानवर या वर्क्स का उसे मानने वाले कबीले के साथ विशेष संबंध माना जाता है और उसे मारने या हानि पहुंचाने एक मतलब वर्जित माना जाता है, या फिर उसे किसी विशेष कबीले के लोग अक्सर उस कबीले की चिन्हों में शामिल कर लेते हैं। मसलन मूल अमेरिकी आदिवासी अक्सर टोटम खम्भों में उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं। भारत के बहुत से समुदाय में भी ऐसे टोटम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो महाराष्ट्र में तांबे का पारिवारिक नाम रखने वाले लोग नाग को अपना कुलदेव मानते हैं और कभी भी नाग नहीं मारते हैं। सतपुड़ा के जंगलों में रहने वाले भील लोगों में देखा गया है कि हर गुट का एक टोटम जानवर या वृक्ष था, जैसे कि पतंगे, सांप, शेर, मोर, बांस, पीपल वगैरह वगैरह। एक गुट का टोटम गवाला नाम की एक लता थी, जिस पर अगर उस गुट के किसी सदस्य का गलती से पैर पड़ जाए तो वह उसे सलाम करके या क्षमा याचना करता था। अगर दो गुटों का एक ही टोटम हो तो उसमें आपस में विवाह करना वर्जित था, क्योंकि वह एक ही पूर्वज के वंशज माने जाते थे। मोरी नामक भील गुट का टोटम मोर पक्षी था। इसके सदस्यों को मोर के पद चिन्हों पर पैर डालना मना था। अगर कहीं मोर दिख जाए तो मोरी स्त्रियां उससे पर्दा कर लेती या फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेती थी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की जानकारी कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और इस चैनल पे नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल को।